72 डिवाइडेड बाय 3 का कैलकुलेशन कैसे करें, अभी हम समझेंगे। 72 डिवाइड 3 या 72 बाय 3 किसका डिवाइड करना है हमें, 3 का किस में, 72 में। देखिए यहाँ पर यदि आपने एक बार अपना अच्छे से समझ लिया तो उसके बाद आपके लिए डिवाइड करना आसान हो जाएगा। यहाँ पे 3 का भाग हम कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो, क्या ये 3 से बड़ी है, यस, तो डिवाइड करना शुरू कर देंगे। यदि 3 से छोटा होता तो क्या करते हैं, अगला अंक भी शामिल करना पड़ता। ओके, ऐसे बेसिक से समझेंगे तो ये चीज़ आपके लिए और आसान रहेगी, ठीक है। अब 3 का हम टेबल कितनी बार लें, पहाड़ा कितनी बार लें कि 7 से बढ़ाना है, लगाओ दिमाग। 1 3 3 2 3 6 3 3 9 तीन बार लिया, 7 से बढ़ा गया, लेकिन 2 बार लेते हैं कितना रहे, 6। फिर हमने इसको घटाया, कितना आ गया, 1। ऊपर से 2 को हम यहाँ लेके आ गए। अब 3 का पहाड़ा हम 4 बार लेते हैं, 4 3 12, जितनी बार पहाड़ा लेंगे उतनी बार भाग जाएगा, कितना आ गया, 12। यहाँ लिखना है घटाना है, घटाने पर कुछ नहीं आ रहा, मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका क्या है, आंसर है। इसके इक्वल टू क्या लिखते हैं, अपना आंसर लिखते हैं, यानी भागफल लिखते हैं। ओके, आसान है। तो इस तरीके से आप अन्य भी डिवाइड कर सकते हैं।